अजान अजान होने वाली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्ती बहुत हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान। मैं हूं अशफाक। और मैं वसाम। और आज की वीडियो कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, ये आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि रमज़ान है और रमज़ानों में हम प्रैंक करते नहीं हैं। आप लोग जो प्रैंक देख रहे हैं वो रमज़ान से पहले से हमने शूट करके आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। प्रैंक आगे भी आएंगे, आज एक व्लॉग बना रहे हैं तो व्लॉग भी ज़रा देखिए, व्लॉग में भी सपोर्ट दिखाएं। आप लोग सिर्फ प्रैंक ही देखते हो यार, बीच बीच में एक आध व्लॉगर बर्दाश्त करें, क्योंकि आज हमें कैफ़े बोगी के ऑनर ने यहाँ बुलाया था इफ्तार के दावत के लिए, तो ज़ाहिर है हम प्रैंक तो करेंगे नहीं क्योंकि रमज़ान चल रहा है। क्योंकि प्रैंक में हम एक्ट करते हैं ना, तो एक्ट के अंदर हमें कभी कभार झूठ भी बोलना पड़ता है, जैसे कि ये पैसे मेरे हैं जो मेरे होते नहीं हैं दरअसल, तो मजाक में वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो रोज़े के टाइम में और रमज़ान के टाइम में मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। इसीलिए हमने कहा व्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग इस व्लॉग में सपोर्ट दिखाइएगा। ऐसा नहीं समझे कि व्लॉग बोरिंग होगा, व्लॉग में भी इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। तो अभी हम लोग बोगी में आए हुए हैं और यहाँ पे इफ्तार का पूरा बुफे लगा हुआ है, तो जिसको इफ्तार बुफे में आना है वो बोगी में आ सकता है। 1400 रुपये पर पर्सन कराची में जितने रेट हैं उस सबसे कम में ये हमें कैफे बोगी में मिल रहा है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, भी बता दूं, रोज़े से हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ हमें दावत में बुलाया तो मैंने कहा चलो एक वीडियो में वैसे ही बना लेता, तो कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा। यहाँ की सर्विस मुझे पसंद है, यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो अभी मेरे ख्याल में इफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट हैं अजान में, तो जाके ज़रा देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। My favorite. गर्मा गर्म। ओह जी, तो अभी मेरे ख्याल में अभी भी तकरीबन 7-8 मिनट रहते हैं और ये ऐसी जगह पे ये आजमाइश में डाला है हमें सुनील भाई, यहाँ के ओनर है कैफे बोगी वाले, हमें आजमाइश में उन्होंने डाला है, ये हमारे इम्तिहान हमारा ले रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह क्या क्या यहाँ पे, मेरा सबसे यहाँ का चीज़ बर्गर मुझे बड़ा पसंद है, वो सामने ही रखा हुआ है, क्या करूँ 10 मिनट कैसे गुजारूँ, गुजर ही नहीं रहे। और यहाँ पे ये है ये बारबेक्यू, ओए ओए ओए, और यहाँ पे कबाब, क्या करें यार आप लोग, 10 मिनट या तो जल्दी गुजारो या ये बंद करो इनके, आए है यहाँ पे कढ़ाई, क्या बात क्या बात, ये क्या है हमारे भाई, ये क्या है, ये बीफ कीमा है, ओए होए होए होए। और ये चिली ड्राई, ये चिकन जलफरेजी है, चिकन जलफरेजी, जलपरी, जलपरी का गोश्त से बना हुआ है, ये चाइनीज आइटम है, चिकन जलफरेजी है, ये चाइना में बनता है यहाँ बनता है, ये बनाया आपने, शेफ ने बनाया, वो चाइना से आया शेफ, पाकिस्तान का शेफ है, फिर उसको चाइनीज क्यों बोल रहे हो, चाइनीज आइटम है ना सर, नहीं लेकिन व्हाइट राज में बन जाते हैं, लेकिन बनाया किसने, शेफ ने बनाया। आप कहाँ पैदा हुए हो, पाकिस्तान में पैदा हुए हो ना, आप ऐसे सोच रहे हो जैसे आपको याद ही नहीं है क्या, पैदा हुए भी हो या नहीं पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाक तो आप क्या हुए, पाकिस्तानी, ये कहाँ बने, पाकिस्तान में, तो क्या हुआ, चिकन जलफरेजी, फिर चाइनीज हो गया, चलो यार चाइनीज है ठीक है, चाइनीज हमारे सुनील भाई यहाँ के ऑनर, जी जफर नाम है मेरा, कैफे बोगी के अंदर, लेकिन आपका नाम तो सुनील था, सुनील जफर, ये कंफ्यूजन हो जाती है असल में इससे काफी, तो हम चाहते हैं कंफ्यूजन से दूर रहिए, नहीं वैसे सुनील मंच भी है ना, बाग व्हील्स वाले, ईरान में एक स्टोन है उसका नाम है सर, अच्छा जी जी जबरदस्त,
सुनील जफर भाई चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स जो भी इस वक्त देख रहे हैं कैफे बोगी पे जरूर तशरीफ लाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 25 से ज्यादा डिशेज हैं आप लोगों के लिए सजाई गई हैं, बूफे रीजनेबल और इंजॉय करेंगे जायकेदार खाने। आईआई चुंद्रिका रोड पे तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों ने आना है। बाकी मैं यही अभी बात कर रहा था अपने ऑडियंस से, मैंने कहा आपने ऐसी आजमाइश में डाला है कि अजान में भी टाइम है और ये सब हमारे सामने है, तो हमारा दिल जानता है हमने कैसे कंट्रोल किया। खैर सवाब ही इसी चीज़ का है, थैंक यू, सवाब ही इसी चीज़ का, खाना सामने है और हम खा नहीं सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए, हुक्म आएगा मगरिब की अजान के टाइम पे। ओए होए यार, यहाँ पे चीज़ वाले इतने, ये देखो यार अशफाक भाई तो ऐसे समेट रहे हैं ना खाना, वो दिखाओ ज़रा, माशाल्लाह मैं कब से देख रहा हूँ भरे जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या भर रहे हैं, ये सब आए हैं यार उनके लिए, ऐसा समेट रहे हैं, मैं कब से देख रहा हूँ, मैंने कहा ये प्लेट में क्या डाल रहे हैं, और माशाल्लाह टेबल देखो कैसे सजा रहे हैं वो लोग। अंदर भोगी में हमारी सीटिंग, अंदर भोगी में सुनील भाई जफर भाई ने करवाई है और ये खजूर से रोज़ा खोलेंगे सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह। बाकी ऐसा है कि मज़ा आ रहा है, शरबत। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, मैं शरबत पीता नहीं हूँ घर पर, मैं पानी पीता हूँ सिर्फ, शरबत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज जो है वो पियेंगे यहाँ पे, ट्राई करेंगे। सैलेड भी है यहाँ पे और ये मीठे में, ओए होए, केक वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे। साबिर क्या है हमारा, साबिर किधर गया, साबिर मेरा बहुत अच्छा भाई है, यहाँ पे मैं आता रहता हूँ तो साबिर ही होता है मेरे पास। लेकिन खैर भाई साहब है हमारे, क्या क्या आइटम है यहाँ पे बताओ ज़रा, मीठे में क्या क्या है सब छोड़ो, मीठे में डेजर्ट है सर, डेजर्ट क्या क्या, डेजर्ट ब्राउनी है, डेजर्ट मतलब वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट या ये खाने वाला डेजर्ट, सर खाने वाला डेजर्ट, खाने वाला डेजर्ट, क्या क्या है उसमें, इसमें केक वगैरह ब्राउनी वगैरह है सर, आइसक्रीम है, हाँ हाँ आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी है सर, आइसक्रीम मतलब क्या बर्फ से क्रीम निकला हुआ है वो, नहीं सर आइसक्रीम जो, तो आइसक्रीम का आइस का क्या मतलब है, बीच से जाओ, बीच से, हाँ हाँ बीच में से जाओ, बीच के आप शौक भी रखते हो, हाँ बताओ अभी मुझे आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ होते हैं सर, क्रीम का मतलब क्या होता है, क्रीम क्रीम होती है, क्रीम क्रीम होते हैं सर, तो आइसक्रीम का क्या मतलब, बर्फ से निकली हुई, जी जी तो बर्फ का क्रीम खिलाओगे मीठे में, नहीं सर क्रीम भी है और आइसक्रीम भी है, इसको नाम आइसक्रीम भी और क्रीम भी है, क्या मतलब हुआ इसका सर, आइसक्रीम का नाम दिया हुआ है ना, आइसक्रीम का नाम किसको दिया हुआ है, आइसक्रीम को, आइसक्रीम को उर्दू में क्या बोलेंगे, सब छोड़ो क्रीम ही बोलेगा सर, नहीं आइसक्रीम को उर्दू में क्या बोलेंगे, उर्दू में तो नहीं मेरे को खुद भी नहीं आता, अरे फिर आ गया यार ये, वो देखो दो प्लेटें और भर के लेके गया, वो दो प्लेटें और लेके गया जालिम। अच्छा ये क्या है, ये फ्रूट चाट है सर, फ्रूट चाट है, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे सर, अच्छा इसको चाट रहे हैं या खाना है सर, खाना है तो फ्रूट चाट क्यों बोल रहे हो सर, फ्रूट चाटू सर, फ्रूट तो वैसे भी लोग खाते रहते, चाटता तो नहीं है सर, चाटते नहीं है तो फ्रूट चाट क्यों बोला, फ्रूट चाट बोल देते हैं, फ्रूट भी डाल देते हैं ना फ्रूट में बना, अच्छा इसको उर्दू में क्या बोलेंगे सर, उर्दू में भी फ्रूट चाट तो बोलते हैं, उर्दू में फ्रूट चाट नहीं ना, आप इंग्लिश में इसको बोलो फ्रूट लिक, उर्दू में बोलो फल चाट, फल चाट, हाँ ठीक है, तो इंग्लिश सही बोल रहे हो ना, हाँ ये क्या है, ये चना चाट है सर, चना चाट, इसको भी चाट रहे हैं, नहीं नहीं सर ये दो चीजें तूने चटवा दी, अब खिलाएगा क्या, ये बता ये क्या है, ये बारबेक्यू स्प्रिंग रोल है सर, बारबेक्यू, बारबेक्यू स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल है मतलब इस पे अगर बंदा चढ़ जाए तो वो जंबे खाएगा, नहीं सर तो स्प्रिंग हुआ ना ये चपाती में बन जाते, स्प्रिंग क्या, ये मुंह पेट के अंदर ये जंबे मारेगा क्या करेगा ये, चले इसमें स्प्रिंग हो गया, दो चीजें चटवा दी, अभी ये क्या है, ये गार्लिक ब्रेड है सर, गार्लिक ब्रेड है, चिकन चीज गार्लिक, इसमें अदरक डला हुआ है क्या, लहसुन डला हुआ है, क्या डला हुआ है, अदरक और गार्लिक क्या है सर, अदरक भी डाला हुआ है, लहसुन भी डाले हुए, गार्लिक किसको बोलते हैं, भी डाला हुआ है, गार्लिक किसको बोलते हैं, लहसुन को बोलते हैं, जाओ ये क्या है, ये पिज्जा है सर, कौन सा फ्लेवर है, ये चिकन, चिकन पजीता है सर, चिकन पजीता, इसमें ये जो ऊपर ये काला काला ये क्या है, ये ऑनियन है सर, काला ऑनियन है, तो जैतून क्या होता है, छोड़ो दफा करो तुम, ये क्या है, ये बारबेक्यू स्प्रिंग रोल, ये बारबेक्यू स्प्रिंग रोल हो गया, होगी सैंडविच है सर, होगी सैंडविच, इसमें क्या क्या डलता है सर, इसमें चीज वगैरह, ऑलिव वगैरह, चीज और चिकन, ऑलिव वगैरह डलती है, उसको प्याज क्यों बोल रहे थे फिर सर, वो ऑनियन है, ये पकौड़े है सर, पकौड़ा में क्या डलता है, पकौड़े में भी सर प्याज वगैरह, टमाटर नहीं, ये किससे बनता, किससे ये, ये बेसन से बनता है सर, हाँ ये पहली बार तुमने जिंदगी में सही बात बोली, बेसन हाथ धोने वाला या खाने वाला सर, खाने, हाँ ये क्या है, ये पट्टी रोल है सर, कौन सा रोल है, पट्टी रोल, चिकन, मतलब अगर हाथ पे लग जाए तो उसको बांध भी सकते हैं सर, पट्टी में बन जाते, ये चिकन रोल होते, इसमें चिकन वगैरह सब कुछ, पट्टी या पट्टी, अरे आसान 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 होने वाली, आ जाओ आ जाओ, जो मस्ती बहुत हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जा मेरे भाई साहब, आ जा
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खजूर जैद भाई रोजा खोले मुझे दो कैमरा मुझे दो। अच्छा वीडियो जो बना रहे हैं वो हमारा अपना भाई है क्या बात है अभी गधों वाली प्यास लग रही है बाल्टी पानी पी जाऊंगा इसीलिए अभी बात करेंगे खाने के बाद। यार वो जो अशफाक प्लेट है भर रहा था ना वो गलत भर रहा था वो सारे आइटम गलत लाए और आसान हुई मैं और जैद भागे लेकिन इतने में पता चला जो वो लाए थे वो खा भी गए तो हमें दोबारा बाहर आना पड़ा कुछ खाए नहीं हमारे लायक। और देखो हम लोग अभी दोबारा प्लेट लेने हैं कुछ खाए नहीं है दोबारा भर रहे देखो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो अरे क्या दिखा रहे हैं देखो दोबारा ये पकड़ ये जो अल्लाह अकबर के बाद से अजान खत्म नहीं हुई प्लेटें खत्म हो गई। अच्छा ये अजान नहीं खत्म हुई थी मैं खा रहा हूँ ये अंदर दो और लोग थे ये भी था ये भी था कब से मुझे भेजा बर्गर लाने ये पहला बंदा करता कुछ नहीं है खाता है लेकिन देखो मजदूर बंदा खाए समझ भी है उसने एनर्जी वेस्ट की है तुम्हारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है सारे वीडियो मैं शूट करता हूँ आज सिर्फ जैद भाई शूट कर रहे तो वीडियो शूट करने में कौन सी एनर्जी तुम्हारे हाथ में क्या तोप दे देते हैं कैमरे की जगह पे होता हूँ कैमरे में ये तो हम क्या बैठ के करते हैं शूटिंग नहीं लेकिन मैं तो अभी तो खड़े हैं भाई अभी देखो चम्मच मार उसको बोल रहे चमचा किधर है मार रहे बच्चे को मारते ये लोग। खैर जैद क्या खाओगे बताओ अभी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए डाल रहा हूँ बताओ क्या खाओगे स्प्रिंग 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 तो खत्म हो गया कौन किसने खत्म साबिर भाई स्प्रिंग रोल कहाँ है लाओ ना फ्रेश आ रहा है जैद भाई के लिए फ्रेश फ्रेश स्प्रिंग रोल आ रहा है फ्रेश ये वाले रोल खाओगे जैद कितने खाओगे अब भाई ये क्या देसी है पाकिस्तानी कितने खाओगे बताओ बहुत है मेरे से दो गुना ज़्यादा मैं तो दो खाऊंगा तो चार आपके लिए उठा लेता हूँ आ जाओ हाँ हाँ रोटी नहीं रहा यार इसको देखो मैं आपके लिए उठा रहा हूँ आपके लिए आपने कहा था थैंक यू उठा लो जैद भाई के लिए भी उठाओ आलू आलू फ्रेंच फ्राइज खाओगे मेरे भाई मेरे को पसंद नहीं है लेकिन जैद भाई को पसंद है जैद भाई के लिए उठाओ अबे हाथ से उठा ले हाथ से उठा नहीं ट्रेन से हम हाथ वाले ही हैं अल्लाह का शुक्र है हाथ पूरा काम करता है हाथ हमारा हाँ ये देखो ये तरीका है ये काम करके थकता है ये ऐसे उठाते हैं बर्गर चलो जैद भाई आ जाओ उस तरफ आओ जैद भाई आप जैद भाई मुर्गी क्या ये प्लेट भर के ये मैं जैद के लिए उठा रहा हूँ वो जो तू लाया वो मेरा है ये जैद का है प्लेट ऐसी हो जैसे वो थ्री इडियट मूवी में आमिर खान की प्लेट कहाँ तक भरी होती है ये मूवी देखी है ना वैसे भरी रहा हो ना मज़ा नहीं आता फुनसुक वांगड़ू की प्लेट कहाँ तक थी आए है ओए होए जैद भाई रोटी खाओगे जी भाई। अच्छा इस प्लेट में इसमें जगह नहीं बची आपके लिए कढ़ाई और बीफ कीमा डालो ये रखते हैं फिर आते हैं सही है। ये सर इधर आओ ये रख हम सिर्फ बीफ कीमा और कढ़ाई लेकर आते रोल रोल भी अशफाक भाई के लिए चार रोल है इसमें छह रोल चार कहा जाएंगे अशफाक भाई पूरा प्लेट भर के लाए पहले वो भी खा गए दोनों वो बैठे हुए सामने अबे भाई तुम लोग वो रोल भी खा रहे यार ये खा गए असलम सारे तुम लोगों को बुफे क्या तुम लोगों को कोई खाने का सैलाब भी नहीं पूरा कर सकता खैर कोई मसला नहीं यार जवानी है खाने दो बेचारों को जवानी में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे जैद भाई कीमा नॉर्मल थोड़ा सा यानी हसबे जायका जैद भाई ये ज़्यादा या ये भी हसबे जायका थोड़ा इधर थोड़ा उधर बोटी ज़्यादा या ग्रेवी ज़्यादा क्या ज़्यादा बस बोटी ज़्यादा या ग्रेवी ज़्यादा बोलो ना हाँ बोटी के शौकीन हो रमज़ान में बोटी के शौकीन हो रमज़ान के बाद फिर किस चीज़ के शौकीन हो वो ईद में बात करेंगे उसके बारे में रोटी कितनी चार टुकड़ों के हिसाब से कितनी ये वो सालन के साथ सालन के हिसाब से तो चार काफ़ी है हाँ चलो अभी फाइनली अभी खाएंगे अभी जो हम लोग लेके गए हम आपके हिसाब से ख़त्म हो जाएगा वो ये तो गलत है फिर हाँ हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी
अबे भाई ये मंगवा ही जा रहा है यार, ये देखो आपके बीफ कीमा। मैं नहीं खाता। नहीं आपके लिए नहीं है, जैद के लिए है। जैद भाई बैठो। मैं बदलाव खाता नहीं हूँ। अभी ये हम बैठ गए ठूसेंगे, ठूसने के बाद आपसे फाइनल मुलाकात करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ मुकालात करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। अभी बंद। जी तो हम लोगों ने जितना खा सके खा लिया। एक बार दिखाएं सर हमने क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया। खाने के बाद इफ्तार में बोला क्यों नहीं जाता यार? ये मसला है। हालत चेक करो उसकी। साबिर भाई मुझे एक बात आप बताएं। जी। ये जो बच जाता है, अब देखिए बुफे में बचता तो है, क्योंकि किसी ने अगर 1400 रुपये पे किए हैं उसकी लालच अंदर की बढ़ जाएगी, वो कुत्ते की तरह लाता जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। हम खुद ऐसी बेगैरत हैं। तो अब मुझे ये बताओ जो ये बचा है इसका आप लोग क्या करते हो? सर ये जो बच जाते हैं वो बाहर जो फुटबॉल में होते हैं ना उस पे डिवाइड हो सकते हैं। वो जो बाहर गरीब लोग उनको दे देते हो, पक्की बात है। हाँ, वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं होता। फिर आप एक बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन आज का आप जो है वो मेरे को पैक करके देना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा गरीब कोई भी नहीं है। ठीक है सर, मैं पैक। मजाक कर रहा हूँ यार। अभी मीठे में क्या है? आइसक्रीम भी मिल जाएगा, ब्राउनी, केक, क्या चाय? चाय। अभी आप बोल रहे थे मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा। चाय पिया जाएगा, खाया नहीं जाएगा, पिया जाएगा। चाय पी लोगे? ग्रीन टी करने, कश्मीरी टी है। ग्रीन टी, इसको मुंह देख के लगता है ग्रीन टी पिएगा ये। ये पिएगा चीनी तेज। मैं बोलने वाला था अभी। चाय चीनी। जैद भाई आप? चाय। चीनी तेज या ग्रीन टी? नॉर्मल चीनी तेज क्या, चाय नॉर्मल चाय। चाय कत्थई वाली जो होती है ना। कौन सी वाली? ब्राउन कलर की जो होती है। अच्छा भाई, इनके लिए ग्रीन टी नहीं, कत्थई टी। ब्राउन टी, तेज चीनी। क्यों? आप तो अभी बोल रहे थे तेज चीनी नहीं चाहिए मुझको। भाई ने बोला नॉर्मल वाली होती है, तेज चीनी। आपको कैसे पता नॉर्मल होती है? भाई ने इशारा दिया। अभी वो खराब करेगा चाय? हाँ मैं खुद क्या पी रहा हूँ जो है। उसका मुंह है, उसका मुंह है, उसको मीठा तेज पसंद है। आपको मीठा तेज पसंद है, नॉर्मल पसंद है? भाई चाय दे दो बस। हाँ, चाय होनी चाहिए। चाय में क्या हो, पत्ती हो, कोई हो, अपना चीनी हो, दूध हो, नॉर्मल। अच्छा नौर्मल। किस कौन दूध की चाय चाहिए? हाँ, दूध की। दूध दूध किसकी हो? दूध भैंस का, इंसान का नहीं चलेगा? नहीं नहीं, ठीक है, भैंस के दूध की चाय। पत्ती का आप अल्लाह का एहसान है, क्या पियोगे? खाओगे नहीं कुछ मीठे में? कैमरा, कैमरा मैन क्या खाया? अच्छा ये इसको पता है आइसक्रीम ये क्यों खा रहे? क्योंकि मैं खा रहा हूँ। कौन कौन से फ्लेवर है आइसक्रीम? चॉकलेट होगा, पाइनएप्पल होगा, और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चीज केक, वनीला। वनीला है? स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी चीज केक है, कुल्फा है, और कुल्फा। जी आप एक काम करो ना, स्ट्रॉबेरी ले लो। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी तुम तो चाय पी रहे हो ना, तुम क्यों बोल रहे हो? वो तो सजेशन ले रहे हैं। सजेशन स्ट्रॉबेरी सही होगा, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, कुल्फा। कुल्फा सही होगा मेरे ख्याल से, कुल्फा। आप एक काम करो ना, एक वैनिला आइसक्रीम कर दो, और एक मेरे लिए आप पिस्ता है। जी है, पिस्ता कर दो। ये वैनिला ही करो यार, छोड़ो। कुल्फा, कुल्फा। वैनिला, 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 ठीक है, दो वैनिला। वैनिला तो ही दिख रहा है, कम और तो। हाँ, नहीं, नहीं, दो, हाँ, ठीक है, ये अच्छा आइडिया दिया इसने मुझे। जी। आप मेरे लिए डबल मंगवा दो फ्लेवर। सॉरी? दो, दो फ्लेवर, एक ही में डबल। आप थोड़ा थोड़ा दोनों में से ले आओ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी ले आओ, थोड़ा वैनिला ले आओ, थोड़ा कुल्फा ले आओ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी दे, आपस में बांट लेंगे, तूने नहीं सुना? उसको पता चलेगा। Action speaks louder than words. 5 minutes later. आइसक्रीम आ गया, और आइसक्रीम आया है, चाय भी आ गई। चाय से मेरे को डर लगता है, आपको पता है, ये गिरता है तो बंदा जलता है। मुझे नहीं लगता, मुझे। और बंदा जलता है, दुनिया में ही जहन्नम वाली फीलिंग आ जाती है। एक डायलॉग मैंने एक प्रैंक में एक लड़की को बोला था। प्रैंक में हम लोगों ने क्या किया था, मैं सीधे से कहते रिएक्शन चैनल था उसका, हमने कहा रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सारे फैंस जो है वो बंद करवा दिए, पंखे बंद करवा दिए, ये बोल के कि यार माइक में आवाज़ सही आनी चाहिए।
तो वो लड़की जो है बार बार यूं कर रही है, कभी पेपर लेके यूं कर रही है. मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तुम्हारा यहाँ ये हाल है, जहन्नम में क्या करोगी. अभी आइसक्रीम को थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे कैसी है, तीनों में से एक एक चम्मच, और जो अच्छी लगी वो मैं अपने पास रख लूँगा. और मेरा ख्याल है कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई, हमारी ऑडियंस अभी तक व्लॉग की इतनी आधी नहीं है, तो इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे उनको. आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने हमारा व्लॉग इन्जॉय किया है नहीं किया, और आपको मज़ीद व्लॉग्स चाहिए नहीं चाहिए. अगर लाइक्स ज़्यादा होंगी ना तो अगला व्लॉग बहुत जल्दी आएगा. लाइक्स एम रख लें, यार एम रखेंगे तो ऑडियंस थोड़ी कन्फ्यूज हो जाएगी, फिर भी आप बोल रहे हो तो रख लेते हैं. अगर 8 से 10,000 लाइक हुए ना, 8 to 10,000, तो मैं 8,000 लाइक हुए यूट्यूब पे, फेसबुक की बात नहीं कर रहा, फेसबुक में 10+ होने चाहिए, वहाँ पे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं. 8,000 यूट्यूब पे हुए एक और व्लॉग इसी हफ्ते में, जब 8,000 दूसरा व्लॉग फेंक देंगे इंशाल्लाह. प्रैंक आते रहेंगे, ये टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी कि शायद व्लॉग कर रहे हैं तो प्रैंक नहीं आएंगे. प्रैंक आते रहेंगे, प्रैंक बनाने में हमें भी मज़ा आता है, वो बनाते रहेंगे. प्रैंक काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं है. प्रैंक आते रहेंगे, व्लॉग भी बीच बीच में आएंगे. व्लॉगों में आप लोगों ने व्लॉग्स में सपोर्ट दिखाना है, हम प्रैंक में एंटरटेन करते रहेंगे. तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.